दालचीनी का कहवा दोपहर के खाने के बाद बेहतरीन चीज़ है ये। पहले भी आपने देखा होगा कि मैंने अक्सर बनाता हूँ ये। आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि गैस नहीं है, जिसकी वजह से बना के रखा हुआ था, तो अब मैं पी रहा हूँ ये। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं। इस वक्त आज ब्लॉग शुरू कर रहे हैं तकरीबन 4, 3, 3:30 या 4 बजे, एग्जैक्टली टाइम नहीं पता, तो शुरू कर रहे हैं। अभी निकल रहे हैं बाहर, कुछ घर में कुछ सामान लेने के लिए, कुछ गोश्त सब्ज़ी और कुछ इस तरह का सामान लेना था, वो लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने कहा अपने दोस्तों को भी साथ रखेंगे, इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं कि क्या लेते हैं और कहाँ जाते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, एक जगह अभी चिकन का ऑर्डर देकर आ गए हैं, अभी दूसरी जगह कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी वहाँ पे आए हैं, फिर जाके वापस चिकन लेंगे और फिर घर जाएंगे। यहाँ से जो भी शॉपिंग करनी है पहले वो भी कर लेते हैं हम। फिश का भी ऑर्डर किया है, फिश अभी तैयार हो रही है हमारी, अभी बिल्कुल फ्रेश आई थी। आज रात का जो खाना है वो कुछ मूड ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई स्पाइसी या कोई चावल या रोटी खाई जाए, तो सबसे बेस्ट ये है कि फल खाएं। तो मैं अभी फ्रिज में से कीनू लेकर आया हूँ, ये 3 महीने का, ये आराम आराम से ये खाते हैं, इसलिए कि रात की मेडिसिन भी लेनी होती है, तो कुछ ना कुछ फ्रूट खा के ही जो है ना वो मेडिसिन ले लें। तो दूसरा दोस्तों, एक आपसे गुजारिश करनी थी कि आजकल हालात शहर के काफ़ी ख़राब हुए हुए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा बाहर निकलना भी नहीं हो रहा। हमारे बिल्कुल नेबर्स में जो मार्केट है, यानी कि एक गली का फासला ये समझ लें कि विद इन 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है, तो उधर 3 से 4 दुकानें कंटिन्यू जो है ना डकैती या लूट मार वहाँ पे हुई है, और टाइमिंग भी ऐसी कि जब हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इस टाइम पे एक फजर की नमाज़ पढ़ के उन्होंने आके सुबह सुबह शॉप खोली है, जनरल स्टोर, फजर के टाइम पे उनको लूट के ले गए। एक होटल है, फिर एक मोबाइल एसेसरीज़ की शॉप है, और वो बैलेंस या जो जायज़ कैश वगैरह का काम होता है उनको लूट लिया। उनके बराबर में ही बिल्कुल 7 होटल है, उधर रश लगा हुआ, और उनकी दुकान को लूट के ले गए। इसलिए रात को भी घर वाले थोड़ा सा वो करते हैं कि बाहर नहीं निकलना, तो ताकि अपनी सेफ्टी के लिए, तो बस इसलिए ज़्यादातर टाइम रात को जो है ना वो बाहर, इवन के जो वॉक करने का अपनी बाउंड्री वॉल में वॉक करते हैं, तो उसमें भी वो मना करते हैं कि नहीं वॉक नहीं करनी, आप घर के अंदर ही रहें। तो ये है सिलसिला, तो जिसकी वजह से कोई इतना ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बन पा रहा, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। इवन के मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ कि
हमारे जो बिल्लियां हैं वो भी रात को, आए मौसम ठंडा है तो वो कहीं पे सो जाती हैं जाके, तो मैं इसलिए बाहर जा नहीं पा रहा हूँ कि मैं उनकी भी वीडियो बना के दिखा सकूँ। तो ये है सिलसिला। तो इंशाल्लाह अब कल का दिन ना, कल कोशिश करते हैं कि कहीं बाहर निकले, छुट्टी का भी दिन है तो कहीं निकले, कहीं एंजॉय करें, तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। गूगल गूगल आजकल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ है कि देखिए, यह घर से बाहर निकलता नहीं है, और आजकल कोई एक दो बिल्ली हैं रात को उनकी यहाँ पे जंग हो रही होती है, और ये उनसे डरा हुआ है काफ़ी, वरना इस वक्त तक ये सो जाता है। आज ये अभी तक सोया नहीं है, कल रात भी आवाज़ें आती रही हैं लड़ाई झगड़ों की, और आज भी सारा दिन दो तीन दफ़ा यहाँ से बाहर निकाला है उनको, लेकिन ये बिल्कुल सहम के बैठा रहा ही है। और ये भी ये डरा हुआ है कि मुझे किसी तरह मैं इसको उठा लूं और अपने साथ बिठाऊं। गूगल गूगल, मैंने अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये मेरे बिल्कुल साथ बैठ गया कि अंदर नहीं जाना अभी। गूगल मुझे जाने दो अंदर। कहता है मेरे साथ ही इधर खेलो, मेरे साथ बैठो इधर। गूगल सो जाओ, नहीं नहीं कर लो। मैं इस वक्त निकल कर आया था बाहर, मैंने कहा दिखाऊं आपको, ये देखें बिल्कुल सन्नाटा हुआ हुआ है, कोई चहल पहल, कोई कदका, कोई बंदा कोई निकल आता है कोई ज़रूरी अशिया के लिए, बिल्कुल खामोशी। और 9:30 बजे का टाइम है इसमें, कोई लोग ज़रूरी अपना वो लेकर आ रहे हैं कदका। हमारे सामने बस एक ये दुकान खुली हुई है आरओ प्लांट की, बाकी बिल्कुल सन्नाटा हो गया वह। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आज की हमने आपको शेयर की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कोई ज़्यादा इतना नहीं दिखा सके, पर थोड़ा सा हमने आज जो दोपहर के बाद निकले थे तो थोड़ा सा हमने कहा अपनी रूटीन आपसे शेयर करेंगे, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।